दोस्तों, आज भी हमारे भारत देश में एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में उनका दिल धड़कता है और इस मूर्ति को हर 12 वर्षों में एक बार बदला जाता है। और जब मूर्ति को बदला जाता है तो मंदिर के पुजारी अंधेरे गुप्त कमरे में आंखों पर पट्टी बांधकर उस दिल को भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में रखते हैं। तो आखिर कौन सा है ये मंदिर और क्या है इसके पीछे का रहस्य, और क्या सच में भगवान श्री कृष्ण का दिल धरती पर मौजूद है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मंदिर लाइव इंडिया यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। पौराणिक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा तो उनका अंतिम संस्कार किया गया। कहा जाता है कि उनके शरीर का बाकी अंग पंच तत्वों में विलीन हो गया, लेकिन उनका दिल जिंदा रहा। मान्यता है कि उनका दिल आज भी सुरक्षित है। साथ ही मान्यता ये भी है कि उनका दिल आज भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में है और वह आज भी धड़कता है। जगन्नाथ मंदिर में विराजमान मूर्तियां प्रत्येक 12 वर्षों में बदली जाती है। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। साथ ही इस दौरान मंदिर में किसी अन्य व्यक्ति प्रवेश नहीं होता है। मूर्तियों को बदलने के लिए सिर्फ एक पुजारी को गर्भगृह में जाने की अनुमति होती है। उनके हाथों में दस्ताने पहनाए जाते हैं। इतना ही नहीं, गर्भगृह में अंधेरा होने के बावजूद भी उनकी आंखों पर पट्टियां बांधी जाती हैं ताकि पुजारी भी मूर्ति को ना देख सके। पुरानी मूर्ति और नई मूर्ति में सिर्फ एक चीज समान होती है, वो है ब्रह्म पदार्थ। इसे पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। ब्रह्म पदार्थ को लेकर मान्यता है कि जो कोई भी इसे देख लेता है उसकी तुरंत मौत हो जाती है। कहा जाता है कि इस ब्रह्म पदार्थ का संबंध श्री कृष्ण से है। इस ब्रह्म पदार्थ के बारे में मंदिर के पुजारियों का मानना है कि मूर्तियों को बदलते वक्त जब ब्रह्म पदार्थ एक मूर्ति से दूसरी में स्थापित किया जाता है तो उन्हें कुछ उछलता हुआ महसूस होता है। हालांकि उसे किसी ने देखा नहीं है, लेकिन उसे छूने पर वह उछलता हुआ महसूस होता है। सिंह द्वार जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा एक और रहस्य माना जाता है। कहा जाता है कि जब कोई भी मंदिर के बाहर खड़ा होता है तो उसे समुद्र की तेज लहरों की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया जाता है तो लहरों की आवाज़ें सुनाई देना बंद हो जाती है। जगन्नाथ मंदिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर एक ध्वज लगा है जिसे नियमित रूप से बदलना अनिवार्य होता है। मान्यता है कि अगर उस झंडे को बदला नहीं गया तो आने वाले 18 वर्षों में मंदिर स्वतः बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप में से कोई भी जगन्नाथ मंदिर गया है तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं आप लोगों से जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।